2019 में, उसके बाद स्लोगन बीजेपी का आया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आपको लग रहा है सर? कहाँ जा रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, लग रहा है आपको सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आज अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो लोग रोडों में भूखे नंगे क्यों सो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं ठंड में, बताइए। फिर आप कह रहे विकास, आप और इतना सब कुछ करते जा रहे, फिर कहाँ हो रहा है विकास? हमें भी मिलवाओ उस विकास से, हम भी बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं उस विकास को। जिस दिन मिल जाए उस विकास को मारेंगे सबसे पहले। मैं कह मिलवाई उस विकास से। चॉइस में आगे भी मोदी होनी चाहिए, आगे भी मोदी आने चाहिए। भविष्य इंडिया का यही है, मोदी इंडिया का भविष्य है। इनके बोलने से थोड़ी होता है, विकास दिख रही नहीं आपको? आप मोदी है तो मुमकिन है, आपको विकास दिख नहीं रहा? सर ये बोल रहे भूखे नंगे। 2014 से पहले भी भूखे मरे नहीं थे क्या? अभी यहाँ 2014 के बाद भूखा मर रहा है देश। अब मोदी जी अपनी जगह ठीक है, काम में कोई नहीं है। अच्छा ये कहता कि इतनी देश बस रहा तो किन मोदी के कारण? अगर मोदी नहीं तो कुछ नहीं। आज हमारी बहन बोड़िया घूम रही हैं तो मोदी के कारण। देखो सरकार किसी की भी आए, हम तो ये चाहते हैं महंगाई बेरोजगारी जो पहले चरण पे आ चुकी है ना वो डाउन हो। आज आप स्थिति इतनी खराब है, आप मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ना ही बेकार है ना ही कांग्रेस बेकार है। हमें राजा वो चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे, ना कि अपने दोस्तारों में लुटाए पैसा। आज गरीब जनता का पैसा लुटाया जा रहा है, अपने ऊपर खर्चा किया जा रहा है। बताइए आप महंगाई बेरोजगारी के बारे में कोई बात करने को तैयार है? आप कुछ भी कितना भी प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ करते आ रहे हो, कहाँ से देश विकास कर रहे हैं? फिर कह रहे हो विकास हो रहा है, जरा हमें भी मिलवाओ उस विकास से, कहाँ हो रहा है? आज रोडों पर भूखे नंगे लोग सो जाते हैं, मर जाते हैं, ये बेचारे रिक्शे चलाने वाले कितने परेशान हैं, बताइए। 14 के पहले सब ठीक था, 14 के बाद सब खराब हो गया जी। नहीं नहीं उससे बुरा हाल 14 से पहले। इनको जब मोदी लाख दो लाख अकाउंट में डाल देना तो बढ़िया है। हम प्योर अम्बेडकरवादी, हमें आराम का पैसा नहीं चाहिए, हम संघर्ष करना आते हैं, हमें प्योर चमारे बाबा साहब के दीवाने हैं, हम संघर्ष करना जब मेहनत करो ना उतने हो जाएगा। 19 बढ़ जाए रोजगारी वो सवाल है। इनको जानते इनको जानते इनको जानते योगी मोदी बस इनके शिष्य हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ उन्नीस मोदी सुनो मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनोगे मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 में उसके बाद स्लोगन बीजेपी का आया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आपको लग रहा है सर? कहाँ जा रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, लग रहा है आपको सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आज अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो लोग रोडों में भूखे नंगे क्यों सो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं ठंड में, बताइए। फिर आप कह रहे विकास, आप और इतना सब कुछ करते जा रहे हो, फिर कहाँ हो रहा है विकास? हमें भी मिलवाओ उस विकास से, हम भी बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं उस विकास को। जिस दिन मिल जाए उस विकास को मारेंगे सबसे पहले। मैं कह मिलवाई उस विकास से। आप देश में दोस्तों में कह रहे हो देश में, देश का इंडिया का नाम भारत मोदी जी की वजह से देश में दोस्तों पूछ रहा है, बाबा साहब की वजह से पूछता रहा है और पूछता रहेगा ढंग का। देश में दोस्तों में अगर नाम है इंडिया का तो बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की वजह से, भीमराव जी की वजह से, ना कि इनकी वजह से जो तो अभी आए हैं। दूसरे को मौका नहीं दोगे क्या? तो वही तो हम चाहते हैं ना, मौका अगर मिला, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो किसी पार्टी के व्यक्तिगत हुए क्या? मेरी बात अगर आप ये कह रहे हो प्रधानमंत्री किसका होता है, पार्टी का होता है? बिल्कुल होता है। मेरा जो ये मानना है प्रधानमंत्री, हाँ मेरा तो ये मानना है प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने प्रजा के हित में काम। प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं है क्या? तुम्हारा प्रधानमंत्री? मैं वही कह रहा हूँ, ये तो पूरे देश का है सर। अगर देश का प्रधानमंत्री, उसकी ख्याति बढ़ रही है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री से पहले अगर हमारे देश में, भाई उनका अपना मत है, राय वो तो देंगे राय भाई, सबको अपने बोलने का और क्या भाई बोलने का अधिकार है। सर चॉइस में आगे भी मोदी होनी चाहिए, आगे भी मोदी आने चाहिए। भविष्य इंडिया का यही है, मोदी इंडिया का भविष्य है। इनके बोलने से थोड़ी होता है, विकास दिख रही नहीं आपको? आप मोदी है तो मुमकिन है, आपको विकास दिख नहीं रहा? सर ये बोल रहे भूखे नंगे। 2014 से पहले भी भूखे मरे नहीं थे क्या? अभी यहाँ 2014 के बाद भूखा मर रहा है देश। अब मोदी जी अपनी जगह ठीक है, काम में कोई नहीं है। अच्छा ये कहता कि इतनी देश बस रहा तो किन मोदी के कारण? अगर मोदी नहीं तो कुछ नहीं। आज हमारी बहन बोड़िया घूम रही हैं तो मोदी के कारण, जो कुछ भी है मोदी है। आगे आने वाले आज अगर हम 2020 से जिंदा है तो मोदी के कारण जिंदा है, नहीं तो अब कब के खत्म हो जाते अगर कांग्रेस होती तो। 2020 से आपका प्रूफ के साथ दिखाएंगे। आपका कहना है बीजेपी सरकार सही काम कर रही है, बीजेपी के सारे नेता सही है, तो इस न्यूज को पढ़ लीजिए ध्यान से पढ़ लो, सकल देख लो इस न्यूज को। क्या क्या जी है, क्या है व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं है भाई साहब? देखोगे वीडियो, अगर देखोगे वीडियो सर रुकिए, ये व्हाट्सएप ज्ञान फैल रहे हैं बस। पहले देश हमसे मोदी की वजह से
मोदी की वजह से अब हम जाने जाने अच्छे अच्छे देशों की वजह से, तो देश में तो हमें कोई वैल्यू नहीं था, मोदी का नहीं था। कहने के बाद राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, और क्या चाहिए देश को? ये तो कह रहे हैं राम मंदिर बनने से तो पेट थोड़ी ना भरता है, पेट तो मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है आसपास के। मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना, विकास। ये अकेले बोलने से क्या हो जाएगा बंधु? सब कुछ मोदी कर रहे हैं। आज जो जानकारी है मोदी के बच्चे जानकारी है। अच्छा, ये मंदिर का अगर राजनीति नहीं, लेकिन ये भी तो आरोप लगाते हैं ना कि मोदी के आने के बाद, 2014 के बाद आने के बाद हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा। देखो इन सब चीज धर्मों को तो साइड में करो, हिंदू मुस्लिम ये तो होता रहेगा, ये कोई राय नहीं है इसमें, तो अलग बात है। क्योंकि मोदी जी हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं ना, मोदी नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये तो अपना अपना न्यूज सत्ता बनाने के लिए लोग। टीवी पर जो भी डिबेट आजकल चल रहा है सब चैनल पर हिंदू मुस्लिम पर होता है। द फ्रंट न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।